थंबनेल पे आपने बिल्कुल सही पढ़ा, अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदरवाइज अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपका फ्यूचर भी फ्लॉप हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगी कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातों की जानकारी आपको होना जरूरी है बी फार्मा में एडमिशन लेने से पहले। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू एसबी फार्मेसी। जैसा कि आपको पता है मेरी हर एक वीडियो अब होती है पॉइंट टू पॉइंट, हर एक पॉइंट मैं आप कवर करती हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके फ्यूचर को पूरी तरीके से ब्राइट बनाने में हेल्प कर सकते हैं मेरे ये पॉइंट जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। देखिए, फार्मेसी में एडमिशन से पहले ये वीडियो आपके लिए क्यों जरूरी है, नेक्स्ट 5 मिनट में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको सीधा बात करती हूँ पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले फार्मेसी के कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। समझ रहे हो, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं आप खुद से इन चीजों को कोरिलेट कीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, बेस्ट टीचर्स वहां पे है नहीं है, उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट है या नहीं है। जिस तरीके से ये तीनों चीजें ही जरूरी हैं एक फार्मेसी कॉलेज के लिए और एज अ फार्मा स्टूडेंट आपके लिए जानना कि वहां पे बेस्ट टीचर्स कहाँ है या नहीं है, वो आपको कहाँ से पता चलेगा, आपके सीनियर से जो कि पहले से उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनसे अच्छा आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज वो फील कर चुके हैं जो कि आप 1 साल बाद 2 साल बाद फील करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो अपने सीनियर से आप बात करें जो कि उस कॉलेज में पहले से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे जरूर बात करें। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट, जो उनका वाउचर होता है कैंपस का, आपके कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का वाउचर होता है जो आपको दिखाते हैं वो एडमिशन के टाइम, उसमें चेक कीजिए कि प्लेसमेंट है या नहीं है। भाई हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम फार्मेसी कर क्यों रहे हैं, जॉब के लिए, कमाने के लिए, तो वो आप हमें प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे वो उनसे पहले ही आपको कंफर्म करना है। उसके बाद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देख लिया, आप खुश हो गए, भाई बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद टीचर्स आपको पता चल गया, अपने सीनियर से पूछ के कैसे टीचर्स उस कॉलेज में है। उसके बाद प्लेसमेंट आपको पता चल गया कि आपका प्लेसमेंट वहां पे इंडस्ट्रीज मेंबर्स आते हैं या नहीं आते हैं। उसके बाद आपका प्लेसमेंट अगर हो जाता है, वो बताते हैं कि 100% हम प्लेसमेंट दे रहे हैं, वेरी गुड, 3 चीजें आपकी कंफर्म हो गई जो आप कॉलेज इंस्टीट्यूट से पता कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या, अब हमें क्या पता करना चाहिए और मैम इसमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूंगी मैं, वो इंपॉर्टेंट थी अब मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एफिलेशन और अप्रूवल आपको पता होना जरूरी है कि आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। प्लेसमेंट नहीं होगा कोई बात नहीं, हम जॉब बाहर से भी कर लेंगे, लेकिन हमारी अगर डिग्री ही आर्टिफिशियल हुई, अगर हमारी डिग्री ही खराब हुई, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, वो तो कुछ करवाएंगे नहीं और बाकी कंपनी आपको लेगी नहीं, रजिस्ट्रेशन ना हो पाएगा आपका। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन, कि आपका जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, वो पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है नहीं है। स्टेट एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बात करूं, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं और वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और बोलता है कि मैं एकेटीयू से एफिलेटेड हूं, तो क्या वो एकेटीयू से एफिलेटेड है या नहीं है, इन चीजों का पता करना, जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर जो है, क्या वो हर एक स्टूडेंट के लिए सेम है, ये भी आपको आपके सीनियर्स ही बता पाएंगे। मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट कॉलेजेस की, मैं बात कर रही हूँ उन प्राइवेट कॉलेजेस की, और मोस्टली ये 99.9 प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें एक बच्चे से लिए जा रहे हैं 4 साल के 3 लाख रुपए, वहीं पे दूसरे स्टूडेंट से लिए जा रहे हैं 3.5 लाख रुपए, मतलब 50,000 उससे फालतू में एक्स्ट्रा ले लिए, किसी से 4 लाख लिए जा रहे हैं उससे 1 लाख एक्स्ट्रा ले लिए, मतलब जो स्टूडेंट जैसा मिले बस उन्हें मिल जाए, क्योंकि उनकी तो जो यूनिवर्सिटी में फीस जानी है वो वही जानी है, जनरल वालों के लिए जानी है 30,000 रुपए, और उसके बाद जो आपके बाकी के कॉलेज वैसे कैंडिडेट हैं जो कि अदर कैटेगरीज हैं, उनके लिए जानी है 15,000 से 20,000 रुपए। उन्हें कुछ करना थोड़ी है, उन्हें तो सिर्फ क्या लेना है आपसे, उन्हें फीस लेनी है। वो फीस कैसे लेनी है वो तो वो लोग प्राइवेट कॉलेजेस वाले अच्छे से जानते हैं। अब आप पीसीआई अप्रूव्ड आपका कॉलेज है या नहीं है वो आप कैसे पता करेंगे, तो मैंने वीडियोज बनाई है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन आप कैसे चेक करें, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन चेक कैसे करना है। ठीक है, सो सीधा आना है आपको अपने सर्च बार में, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है पीसीआई। जैसे ही आप पीसीआई सर्च करेंगे तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट यहाँ पे आपको ओपन कर लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी वेबसाइट हो जाएगी ओपन। फटाफट से मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको चेक करना है अपना कॉलेज, जो भी आपका इंस्टीट्यूट हो आपको इसी तरीके से वो चेक करना है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी वेबसाइट ओपन। अब हम यहाँ पे अप्रूव्ड कॉलेजेस पे करते हैं क्लिक। जैसे ही अप्रूव्ड कॉलेजेस पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप ऐसे इसे कर लेते हैं हम कट,
यहाँ पे अप्रूव्ड कॉलेजेस, तो यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड डिप्लोमा इंस्टीट्यूट हमें देखना है, अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूट, तो हमें तो क्योंकि डिग्री हम बी फार्म के लिए चेक कर रहे हैं तो अप्रूव्ड डिग्री इंस्टीट्यूट पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके सामने ओपन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको इस तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पे ये आ जाएंगे क्या आपके नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम डाल के सर्च कीजिए। अगर कॉलेज का नाम यहाँ पे आता है इसका मतलब है कि आपका जो कॉलेज है वो पीसीआई अप्रूव्ड है। क्लियर हुआ? मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डाल के यहाँ पे आपको नहीं दिखाऊंगी, बट आप अपने इंस्टीट्यूट का जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं यहाँ सर्च में जो ये बॉक्स आ रहा है इसमें क्लिक करके आप अपने इंस्टीट्यूट को चेक कर सकते हैं कि वो पीसीआई अप्रूव्ड है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारी चीजें हुई। ऐसे ही आप स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, ऐसे ही आप AKTU की वेबसाइट पे जाएंगे, AKTU की वेबसाइट पे जाके भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? ओके, सो मेरे हिसाब से आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको बी फार्म में एडमिशन लेने से पहले पीसीआई का अप्रूवल जरूर चेक करना है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर नहीं होता है ऐसा तो जब आप फार्मेसी 4 साल बाद जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, उसकी कोई मान्यता नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 4 साल भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। तो ये अप्रूवल आपको चेक करना है। बाकी भी काफी सारे ऐसे अप्रूवल होते हैं जो कि चेक करने जरूरी होते हैं, उनके लिए मैं फर्दर वीडियो बना दूंगी अप्रूवल का ही अलग से। बल्कि ये चीजें आपको पता होना चाहिए, प्लेसमेंट दे रही है आपके कॉलेज नहीं दे रही है, उसके बाद वहां पे जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, फीस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम है या अलग अलग है, सबसे कम फीस कितनी है, तो आप ट्राई कीजिए आपको भी उतने में एडमिशन मिले, क्योंकि इतने में मिल रहा है ना वहां पे कैंडिडेट को एडमिशन, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस का काम सिर्फ फीस पे चलता है, उनका काम की फीस मिल जाए, उसके बाद बच्चा पढ़े ना पढ़े, करियर फ्लॉप हो जाए उसका, कुछ हो जाए, उन्हें नहीं रहता है मतलब, है ना। और मैं कुछ कॉलेजेस के अगर नाम यहाँ पे ले लूं तो फिर उन कॉलेजेस के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सारे कॉलेजेस को जानते हैं, पहचानते हैं, जो कि स्टूडेंट के भविष्य से उन्हें कुछ नहीं लेना है, है ना। तो मुझे नाम नहीं लेना है, सब लोग जानते हैं इनकी सच्चाई। तो आप लोग अगर अपनी स्किल्स पे काम करेंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो आप एक बहुत अच्छे फार्मासिस्ट बन सकते हैं। और फार्मासी एक ऐसा फील्ड है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर जो कि बहुत रेपुटेटेड है। अगर मैं बोलती हूँ हर बार दवाई नहीं तो बिकेंगी कैसे, दवाइयां बनेंगी ही नहीं तो डॉक्टर इलाज कैसे करेगा पेशेंट का, तो फार्मासिस्ट की बहुत इज्जत है। फार्मासिस्ट अपने आप में एक बहुत रेपुटेटेड बोल सकते हैं फील्ड का मेंबर है। तो इसके लिए आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां हम बी फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ CUET की तैयारी भी हम अपनी एप्लीकेशन पर करवा रहे हैं, जाके विजिट जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करें। थैंक यू सो